जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में साम्यावस्था भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम होता क्या है। लेकिन ये जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो बच्चों, जनरली रिएक्शन जो है वो दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इन विच दे प्रोसीड। तो बच्चों, डायरेक्शन के बेस पे आप देख सकते हैं रिएक्शन दो तरह की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। पहले लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इट प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ एरो इन इन्वर्टेड डायरेक्शन। तो बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है, दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। नेक्स्ट है बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। तो ऐसी रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में होती है वो कहलाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल रिएक्शन के। पहले रिएक्शन में आइस रिवर्सिबल वाटर दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन जो है ये वाली रिवर्सिबल है, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आइस से वाटर बनेगा, और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो वाटर से आइस बनेगा। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, 2HI गैस रिवर्सिबल H2 गैस प्लस I2 गैस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन भी दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। ऊपर वाली रिएक्शन जो आप ऊपर वाला जो एरो देख रहे हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन को दिखा रहा है, यानी कि HI से H2 और I2 बनेगा डिकम्पोज होने के बाद। और जो बैकवर्ड ये नीचे वाला जो एरो है ये दिखा रहा है कि H2 और I2 कंबाइन होकर आपको देंगे HI। अब ये देखिए यहाँ पे AgNO3 NaCl के साथ कंबाइन हो रहा है, और लेकिन ये जो यहाँ पे एरो ये दिखा रहा है कि रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, का मतलब है कि इन केमिकल कंपाउंड से केवल AgCl और NaNO3 बनेगा, इन दोनों से ये नहीं बन सकते, यानी ये रिएक्शन इस तरफ नहीं जाएगी, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डैट्स वाई दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, और ऊपर वाली दोनों रिवर्सिबल होंगी। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट या वो कंडीशन जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, तो ये स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम। सर क्लियर नहीं हुआ, तो आइए एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, ए रिवर्सिबल विद बी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए से बी का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, और बी से ए का बनना बैकवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। इट मींस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी जितनी स्पीड से ए से बी बनेगा उतनी ही स्पीड से बी से ए बनेगा। क्या ये क्लियर है आपको? आइए अब जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में हुए चेंज को अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक एग्जांपल के साथ क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यहाँ पर इस रिएक्शन का अगर हम रेट निकालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कैसे यूज करके हम लोग यहाँ पे इसका रेट दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को हमने R से दिखाया है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेल्टा है, डेल्टा जो है हमारा चेंज को दिखाता है। तो यहाँ पे और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो कंसंट्रेशन होता है, या फिर आप उसको एक्टिव मास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और उसको हम लोग नेगेटिव साइन से शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बीतेगा आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और बढ़ने को हम लोग प्लस साइन से शो करते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज जो हो रही है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो बच्चों इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो टाइप का होता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल।
अगर आपका इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल प्रोसेस में आता है, रिवर्सिबल फिजिकल रिएक्शन में आता है, तो वो कहलाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपका किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आता है तो वो कहलाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहला एग्जांपल लिया है फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए, सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। तो यहाँ पे हमको सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को दोनों को एक साथ दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो बच्चों आइए कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे आइस और वाटर का। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, तो आप देख पा रहे हैं आइस जो है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर जो है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाती है तो मेल्टिंग होती है और आइस बदल जाता है वाटर में, और जब बैकवर्ड रिएक्शन जाती है तो वाटर जो है वो हमारा आइस में बदल जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चली जाएगी तो कैसे मालूम पड़ेगा, आप जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दोनों साइड की रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। सर दोनों रिएक्शन कौन सी हो रही है, भाई फॉरवर्ड में हो रही है मेल्टिंग और बैकवर्ड में हो रही है फ्रीजिंग। तो यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन का रेट बराबर होगा, यानी मेल्टिंग की स्पीड बराबर हो जाएगी फ्रीजिंग के। तो देखिए एट इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ मेल्टिंग विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, और आप जानते हैं मेल्टिंग जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और फ्रीजिंग जो है बैकवर्ड है। तो सिंपली हम लोग इसको दिखाते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या आपको क्लियर हुआ, और ये फिजिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट आइस और वाटर इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आप देखें तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल रिएक्शन। अब राइट साइड पे देखिएगा, राइट साइड पे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन लिया हुआ है, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है, तो आपने कहा कि सर ये वाली फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसके अंदर PCl5 डीकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीकम्पोजिशन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हो रहा है, और अगर मैं बैकवर्ड की बात करूँ तो PCl3 गैस और Cl2 गैस जो है वो कंबाइन हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉम्बिनेशन। तो आप देखिए बैकवर्ड में कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डीकंपोजिशन, बिल्कुल सही सर, इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों साइड की रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। जिस स्पीड से PCl5 डीकंपोज होकर PCl3 और Cl2 देगा, उसी स्पीड से उसी रेट से PCl3 और Cl2 कंबाइन होकर PCl5 देंगे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या ये आपको क्लियर है, और जब ये कंडीशन आ जाती है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपका प्रोसेस, आपकी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में जा चुकी है। आइए बच्चों अब लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आप ग्राफ की हेल्प से इक्विलिब्रियम को कैसे समझाएंगे, कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इस ग्राफ के अंदर हमने एक तरफ कंसंट्रेशन लिया है और इस साइड हमने टाइम को दिखाया हुआ है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम आपका बीतेगा वैसे वैसे देखिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो ये बढ़ रहा है ये शो करेगा आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और बच्चों ये जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो रही है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये शो करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और दोनों की जो देखिए ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट हो गया, कर्व जो है आपका स्ट्रेट हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है और ये आपके कर्व सीधे हो जाते हैं तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम। तो आप बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट वो स्टेट ही कहलाती है इक्विलिब्रियम। ये हमने आपके लिए एक दूसरा ग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पे इस एक्सिस पे हमने रेट दिखाया है, इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। तो आप देखिए, जैसे जैसे आपकी रिएक्शन के अंदर टाइम बीतेगा, वैसे वैसे रेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रेट हायर है, लेकिन टाइम के साथ में ये रेट डिक्रीज होने लगा है, और यहाँ पे जो रेट है वो जीरो था लेकिन इंक्रीज हो रहा है। तो सर आप जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो स्टार्टिंग में फास्टर होगा, तो आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है बच्चों। और यहाँ पे जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है। क्या ये क्लियर है आपको? लेकिन एक पॉइंट पर देखिए, दोनों रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो गया है, तो वो पॉइंट जहाँ पर दोनों तरफ की रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, ये वाला पॉइंट कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो यही तो बताया था आपको, जब दोनों तरफ की रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, इट मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों, ये था हमारा इक्विलिब्रियम के बारे में, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।